वो अजीम शख्सियत है, वेल नोन पर्सनालिटी है, उनका आला था। हमने भी उनसे बहुत छोटे से थे जब हमने उनसे तालीम हासिल की, उनकी खिदमत जामिया के लिए तकरीबन 30+ ईयर्स है और उनकी खिदमत को हम बिल्कुल तनखा नहीं कर सकते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन असातिज़ा को, मैं सलाम पेश करता हूँ असातिज़ा किराम को, और खासकर मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम और खिराती साहब बैठे हैं, उनके लिए मैं कुछ इशार पेश करना चाहता हूँ। टीचर वो हस्ती होती है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आती है। उस्ताद वो हस्ती है जो पत्थरों को हीरो में तब्दील कर देती है। उस्ताद वो हस्ती है जो चश्मे बसार निगाहें बसार में तब्दील कर देती है। उस्ताद वो हस्ती है जो फिक्र नजर के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देती है। उस्ताद वो हस्ती है, उन लम्हात को याद करें, वो लम्हात आपको याद होंगे जब आप अकेले थे, जब आपको दुनिया जानती नहीं थी और आप अकेले थे, और वो लम्हात जब आपको दुनिया में मशवरा देने के लिए कोई ना था, वो लम्हात जब आप आंधियों में दिया जलाने के काबिल ना थे, वो लम्हात जब दुनिया ने आपको धुतकार दिया था, तुम जानते थे और लोग आपको कहते थे कि आप कौन हो, कोई जानता नहीं था। तो ये वो उस्ताद मुकर्रम थे जिन्होंने आपका नाम रोशन किया, आपको इस काबिल बनाया कि आपने दुनिया के अंदर इनका नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपनी कौम का नाम रोशन किया। इसलिए मैं अगर ये कहना चाहूँ तो वो गलत नहीं होगा, गम खाता चला जाता है मुझको, गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, कहीं बरकत न उठ जाए, कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं होती। बरसते कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं होती। बरसते हैं ये बारिश की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये बारिश की तरह प्यासी जमीनों पर, इलाही के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। और आखिर पर मैं थोड़े से खसूसन मेरे ख्याल साहब के लिए इशार है, उनके लिए मैं पेश करना चाहता हूँ। और वो लम्हात जब आपको कोई जानता नहीं था, आपकी पहचान नहीं थी, तो वो उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने आपको नाम दिया, आपका नाम रोशन किया। उन्हीं लम्हात में जो लीडर जन्म लेते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो फिर प्याले आदम जैसे लीडर पैदा होते हैं, और जब लीडर पैदा होते हैं, लीडर जन्म लेते हैं तो फिर अलामा इकबाल जैसे लोग पैदा होते हैं, जब लीडर जन्म लेते हैं तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा होते हैं, और जब लीडर पैदा होते हैं तो फिर वासिफ अली वासिफ शाह जैसे, कासिम अली शाह जैसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर पैदा होते हैं। और इसी तरह कुछ इसी तरह से ये बात भी है कि हमारे अहमदपुर सियार की सरजमीन पर खैरात अली साहब जैसे लीडर पैदा हुए, और जो अहमदपुर सियार की धरती को अहमदपुर सियाल की सरजमीन पर खैरात अली साहब जैसे लीडर पैदा होते हैं, जो अहमदपुर सियाल की धरती को सैराब करते हैं और कौम को लीड करते हुए और रोशनी के दिए जलाते हैं। और सिर्फ आज उनके जलाए हुए दिए, आज उनके जलाए हुए दिए हमारे मुल्क का सरमाया है और नाम रोशन कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है तो कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, और उनके जलाए हुए दिए आज भी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और मेरी रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। और आखिर पर खैरात साहब के लिए एक खसूसन शेर पढ़ना चाहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा।
किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फकत फकत।